हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना सीख रहे हैं। इंसर्ट के इंसर्ट ऐप पे जाओगे, इंसर्ट पे क्लिक करके आप क्या यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन चूज करोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डमी टेक्स्ट ले रहे हैं, RAND, जस्ट एंटर किया। उसके बाद एक और पैराग्राफ मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। हमने क्या कर लिया, टू पैराग्राफ्स ऐड कर लिया। मेरे को पिक्चर इंसर्ट करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे पिक्चर चाहिए। पिक्चर में हम जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पिक्चर को चूज करोगे। मेरी यहाँ पे क्या पड़ी है, डेस्कटॉप पे हार्ट और लोगो की फोटो पड़ी है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि क्या है, पिक्चर इंसर्ट हो गई है। आप इसकी हाइट विड्थ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज, और अगर आपने डिक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद क्या, अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, मतलब अगर आपने इसको लेफ्ट राइट, यहाँ से अगर आप इसको लेफ्ट रखना चाहते हो एज रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट रख सकते हो। अगर आपने इसको क्या रखना है, मिड सेंटर पे टॉप पे रखना है, तो आप इसको ये वाली ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप राइट पे रखना चाहते हो तो ये उसके अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या इसकी पोजिशन सेट कर सकते हो। आपने अभी इसकी क्या है, राइट कॉर्नर सेट कर दिया है। उसके बाद क्या है, अगर आपने क्लिप बोर्ड, क्या है, क्लिप बोर्ड की फोटो ऐड करनी है, तो आप क्लिप आर्ट से भी, क्लिप आर्ट पे क्लिक करके भी आप क्या है, क्लिप आर्ट से क्या है, फोटो ले सकते हो। आपको जो भी आपको फोटो चाहिए आप वो फोटो ले सकते हो। क्लिप आर्ट में क्या होता है, जब हम एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये इनबिल्ट फोटोग्राफ्स होती हैं, जो कि एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते टाइम हमारे कंप्यूटर में आती हैं। जैसे कि हमने क्या कर लिया, कंप्यूटर क्लिप पार्ट में कंप्यूटर की फोटो ले ली। अब हमने इसका क्या कर दिया, साइज डिक्रीज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आप इसकी क्या करना चाहते हो, पिक्चर का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, अगर आप पिक्चर को ऐसे रखना चाहते हो, राउंड स्क्वायर में रखना चाहते हो, राउंड रेक्टेंगल में रखना चाहते हो, इसका बॉर्डर ऐसा दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर क्या क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। और इस पे हमने क्या किया, पिक्चर को ब्लैक बॉर्डर लगाया। अगर आप यहाँ पे भी बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। उसके बाद अगर क्या है, अगर आप पिक्चर की शेप चेंज करना चाहते हो, तो आप पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे हार्टल को है ओवल शेप में शो किया है। उसके बाद क्या है, जैसे कि हमारा ये पिक्चर है, अगर हम इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर के बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, पिक्चर इफेक्ट क्या होता है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, पिक्चर को कि क्या, पिक्चर पे कौन सा इफेक्ट दिखाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग के आपकी पिक्चर शो होने लग जाएगी। अगर आप शेडो के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, तो हल्की सी आपकी पिक्चर के नीचे क्या दिखने लग जाएगी, शेडो दिखने लग जाएगी। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे लगता है कि जैसे नीचे की वाटर हो, उस तरह से क्या है, ये रिफ्लेक्शन दिखाने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग का क्या यूज है, अगर आप क्या है टेक्स्ट और इमेज के रिस्पेक्ट आप क्या करना चाहते हो, अपने इमेज सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट कैसे रैप करना चाहते हो अराउंड इमेज, तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्केयर करोगे क्लिक, तो स्केयर चूज करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपकी फोटो है और टेक्स्ट है स्केयर की फॉर्म में शो हो रहा है। टाइट करोगे तो मैक्सिमम क्लोज जितना टेक्स्ट और पिक्चर आ सकती है उतना आएंगे। उसके बाद क्या है, बिहाइंड टेक्स्ट करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपकी फोटो के आगे बिहाइंड हो गई है। इन फ्रंट ऑफ करोगे तो आपकी जो टेक्स्ट है फोटो है आपकी क्या है, फ्रंट पे आ जाएगी। टॉप बॉटम करोगे तो आपका टेक्स्ट है जो टॉप और बॉटम में हो जाएगा। उसके बाद सेंटर में भी क्या हो जाएगी, आपकी पिक्चर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट के फ्रंट ऑफ अगर आपने फोटो करनी है, तो आप ये भी ऑप्शन चूज करोगे। उसके बाद क्या है, चेंज पिक्चर। अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से जो भी आपको पिक्चर चाहिए, कहीं भी आपके यहाँ डाउनलोड भी पड़ी है, या डेस्कटॉप पे पड़ी है, पिक्चर्स भी पड़ी है, या कहीं से ड्राइव भी पड़ी है, आप तो आप उस पर क्लिक करके क्या है चूज कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, आप देखोगे कि हमारी क्या होगी, पिक्चर चेंज हो गई है। उसके बाद अगर आप रीसेट पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि जो हमारी पिक्चर पे हमने बॉर्डर लगाया था वो क्या हो गया, हमारा रिमूव हो जाता है, हमारी पिक्चर क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। उसके बाद क्या है, कंप्रेस पिक्चर, ये ऑप्शन किस लिए होती है, अगर आपने अपनी साइज, जो अपनी पिक्चर है उसका साइज डिक्रीज करना हो। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं,
उसमें मेंशन होता है कि आप इतने GB की पिक्चर अपलोड कर सकते हो, तो उसके लिए क्या है, आप इसकी हेल्प से अपनी फोटो का साइज कंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद क्या है, रीकलर। रीकलर में क्या होता है, अगर आपने फोटो को क्या कलर करना हो, ब्लैक एंड व्हाइट में शो करनी है या आपने इस तरह से कोई कलर चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपकी सेट ट्रांसपेरेंट कलर। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि जैसे कि मेरा हमने क्या है फोटो ली हुई है और टेक्स्ट है, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक जिस एरिया पे हम क्लिक करेंगे वो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, फोटो को मूव किया, आप देखोगे कि अब हमें टेक्स्ट यहाँ पे पीछे जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब उतना एरिया क्या हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट हो गया। हमने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड फॉर अनडू। उसके बाद कंट्रास्ट है, अगर आप पिक्चर का कंट्रास्ट वगैरह सेट करना चाहते हो और ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपने पिक्चर को क्रॉप करना है तो आपको जितना एरिया चाहिए आप उतना एरिया सिलेक्ट कर लोगे और बाकी आपका क्या आ जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर को क्या करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, लेफ्ट राइट फ्लिप वर्टिकल तो हॉरिजेंटल, आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो पिक्चर्स की ऑप्शंस है ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके।